हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम दोबारा से खेल रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने और माइकल ने ली थी दो घोस्ट राइडर बाइक्स। तो देखो भाई क्या ही लग दिया भाई साहब ये बाइक, इसके दोनों टायरों में से ये आग निकल रही है भाई साहब, क्या ही लगती है भाई साहब ये। रोड पर तो इसका बहुत अच्छा अट्रैक्शन रहता है, तो मैं एक बार इसको पास दिखाता हूँ। देखो लग रही है ना, इसकी लुक बहुत तगड़ी भाई साहब। तो जल्दी से इसके एक राइड मारते हैं, हम इसको कल लाए थे, कल से मैंने इसको ज़्यादा चलाया भी नहीं है। तो जल्दी से इसको चलाते हैं थोड़ा सा, ये कर लिया हमने स्टार्ट। पहनते हैं जल्दी से हेलमेट, चलो। तो अभी मैंने अपनी बाइक को तो स्टार्ट कर लिया, जल्दी से इसको लेके चलते हैं। अबे अभी ठोक देता, नई बाइक वैसे कल ही लाए थे इसको। देख लो ऐसे मोड़ वोड पे भी 150 की स्पीड में चलती है अपनी बाइक, ऐसे मोड़ों पे भी। यहाँ पे स्पीड कम कर लेते हैं वरना सीधे सामने वाले घर में जाएंगे हम। देख लो आग, आग की जो है इसकी वो है ना, सारे दिल छू लेती है, क्या ही लगती है भाई साहब। भाई साहब जल्दी से। तो अभी मैं अपनी बाइक को भगा ही रहा था कि मुझे अपने डाउनटाउन कैब के मैनेजर का कॉल आया है। वो कह रहा है कि थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई है, मुझे वहाँ पे जल्दी से पहुँचना होगा। तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे, बैठते हैं अपनी बाइक पे और लगाते हैं वहाँ की लोकेशन। पहले मैं उसकी लोकेशन लगा लेता हूँ अपने डाउनटाउन कैब बिजनेस की, कहाँ है हाँ ये रहा। जल्दी से इसकी लोकेशन लगाते हैं और जल्दी से चलते हैं। वो कह रहा था कि थोड़ी इमरजेंसी है, हमको जल्दी से वहाँ पर पहुँचना होगा। जल्दी से अपनी बाइक को मोड़ते हैं और चलते हैं वहाँ पर। अरे यार ये अभी सुअर लोग निकल, अब रुकवा दी मेरी नई बाइक। अरे यार मैं भी ना लॉन्ग ले आके गलती कर देता हूँ, अपनी नई बाइक को ठुकवा रहा हूँ बार बार। जिसको नहीं पता मैं उसको बता देता हूँ, यार ये जो डाउनटाउन कैब बिजनेस है ना, ये फ्रैंकलिन ने खरीद रखा है। इससे क्या होता है कि फ्रैंकलिन को हर मंथ ना अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। बेसिकली क्या है ना, लॉस एंजेलोस में जितनी भी टैक्सी चलती है ना, तो उसका पैसा फ्रैंकलिन के पास आ जाता है। तो अभी मैं अपनी बाइक को भगाते भगाते पहुंचने वाला हूँ अपने डाउनटाउन के बिजनेस पे। बस मुझे आगे से लेना है राइट, तो यहाँ से लेते हैं राइट और चलते हैं। ओ भाई ये क्या सीन है भाई, यहाँ पे तो भाई बहुत गंदा सीन हो रखा है। ये इतने पुलिस वाले, वो भी डाउनटाउन के बिजनेस के बाहर, तो सब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने तो कोई पटांग हरकत भी नहीं की इस बार, भाई सब ने मेरे ऊपर एम कर रखा है। मुझे तो डर और लग रहा है भाई साहब, पता नहीं क्या ही सीन हो रखा है यहाँ पे। तो ओ भाई साहब यहाँ पे चार चार पुलिस वालों की गाड़ी, तो भाई मैं इससे जाके बात करता हूँ कि पता नहीं क्या सीन हो रखा है यहाँ पे। तो जल्दी से इस ऑफिसर से बात करते हैं, पता नहीं क्या सीन है। तो भाई इसने मुझसे बात करने की जगह मुझे अरेस्ट कर लिया है। ये कह रहा है कि ये अब मुझे जेल लेके जाएगा। पता नहीं यार ये अभी फ़ोन पे बात कर रहा है, पता नहीं यार ये मुझे छोड़ेंगे या फिर नहीं। तो अभी गाइस इन्होंने मुझको तो छोड़ दिया है, पर यार एक बात की दिक्कत हो चुकी है यहाँ पे, जो हमारी ब्रैंड न्यू भाई बहुत अच्छी बाइक इन्होंने जब्त कर लिया है। हाँ हमारी घोस्ट राइडर बाइक, ये कह रहे हैं कि ये लॉस एंजेलोस में चलाना है इसको इल्लीगल है और हम इसको नहीं चला सकते हैं। ये इस बाइक को लेके जा रहे हैं, यार हम इसको कल ही तो लाए थे यार, ये बहुत गलत सीन करा है। तो यार पता नहीं यार ये मेरी बाइक को मुझे वापस देंगे या फिर नहीं, यार मुझे ना इनसे बात करनी पड़ेगी। और यार ये ना मुझसे फाइन भी मांग रहे हैं, वो भी पता है कितना, $5,000। भाई एक तो मेरी इतनी महंगी बाइक को ये लेके जा रहे हैं, ऊपर से फाइन भी मांग रहे हैं। अरे पता नहीं अब इनको देने तो पड़ेंगे, चलो इसके देते हैं जल्दी से। तो अभी गाइज ये तो यहाँ से जा रहे हैं जल्दी जल्दी। तो इनकी तीन गाड़ी तो पहले चली गई हैं और मेरी बाइक भी चली गई है, और ये तीन गाड़ी जा रही हैं। अब यार सारा मूड ऑफ हो गया यार, बहुत गलत सीन हो गया यार, पता नहीं क्या। यार वो कह रहे हैं कि वो बाइक इलीगल है
उसको लॉस एंटो से नहीं चला सकते। पता नहीं यार, अब मुझको नई बाइक लेनी पड़ेगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझको सजेस्ट करना कि मैं कौन सी बाइक लूँ। अभी मेरे पास कोई कार वार तो है नहीं जाने के लिए, तो अपनी टैक्सी को ही लेके चलते हैं जल्दी से। यार अपना बिजनेस है, ये तो फ़ायदा होगा ही, अपनी कभी भी अपनी टैक्सी ले आ सकते हैं। जल्दी से बैठते हैं इसमें और चलते हैं। ओ भाई मैं डर गया हूँ कि ये क्या है, तो जल्दी से इसको बंद कर देते हैं, चलते हैं। ई टू प्ले जॉब, अच्छा तो हम टैक्सी ड्राइवर भी बन सकते हैं इसमें बैठ के। ऐसे मन तो नहीं है, एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर भी। अच्छा। तो अभी हमको उसका एड्रेस बता रहा है, तो ये अभी हमको एड्रेस बता रहा है उसका, हमको उसको पिकअप करना है, यहाँ से लेना है हमको राइट। चलते हैं, तो यार एक मिनट, तो यहाँ से चलते हैं, शायद यही बंदा है। हाँ हाँ यहीं पे रुक रहे हैं, रुको जरा। चलो इसको बैठा लिया है, अब जल्दी से चलते हैं। जल्दी से मोड़ लिया अपने टैक्सी, जल्दी से भगाते हैं अपनी टैक्सी को, यहाँ से लेना है सीधे सीधे, यहाँ से भी हमको सीधे। ओ भाई मैं पुलिस वाले तो अभी तक गए नहीं है, तो यार ये भी इन्होंने भी दिमाग खराब करा, यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। चलो ये लेफ्ट चले गए, हमको तो सीधा सीधा जाना है, जल्दी से चलते हैं। तो यहाँ से लेना है हमको लेफ्ट, जल्दी से लेते हैं यहाँ से लेफ्ट और भगाते अपनी गाड़ी को। यहाँ से लेना है हमको राइट, तो भाई जल्दी से चलते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझको ज़रूर सजेस्ट करना कि मुझे अब कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि निंजा ले लूँ, निंजा H2। जो भी आप सजेस्ट कर देना मुझको कमेंट सेक्शन में कि मुझे अब कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो जल्दी से अपनी टैक्सी को भगाते हैं और चलते हैं वहाँ पे। तो अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते पहुँचने वाला हूँ उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे मुझे इसे ड्रॉप करना है। Screw you, man. थोड़ी सी आगे, हाँ यहीं पे। अबे चला जा यहाँ से, पिट के जाए। $230 भाई टिप नहीं दी इसने बिल्कुल भी मुझे। अगर यार यहाँ पे पुलिस वाला नहीं होता, मैं इसको सच बता रहा हूँ मार के जाता इसको। मुझे नहीं करनी यार ये और जॉब्स, वैसे बहुत अच्छा पैसा मिलता है यार इन टैक्सी ड्राइवर को भी। $230 मिल गए इतनी जल्दी। यार आज का दिन ही मुझे लगता है बेकार चल रहा है। सुबह अपनी वो बाइक चली गई और जब से गाड़ी ठुकने पे ये सुबह से ही। तो अभी जल्दी से चलते हैं अपनी घर की तरफ। यार घर की लोकेशन लगा लेता हूँ पहले मैं जल्दी से, ये रहा अपना घर। जल्दी से वह आते हैं अपनी इस टैक्सी को और लेके चलते हैं घर की तरफ। टाइम लगेगा बहुत घर पहुँचने में, माइल है भाई साहब। तो जल्दी से वो आते हैं और पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। गाड़ी को भगाते भगाते पहुँचने वाला हूँ अपने घर की तरफ। बस इस वाले कट से मुझे लेना है राइट, तो यहाँ से ले लेते हैं जल्दी से राइट ऊपर की तरफ और जल्दी से पहुँचते हैं अपने घर की तरफ। तो ये आ चुका है हमारा घर, जल्दी से इस गाड़ी को पार्क कर देते हैं वहाँ पर पार्क कर। चलो गैराज में ही पार्क कर देते हैं इसको, वैसे भी यार इसको वापस जूता देने जाना है, यहाँ पे पार्क कर देते हैं इसको ना, थोड़ी आगे कर देते हैं जिससे गैराज भी बंद हो जाए, वरना ये गैराज बंद नहीं होगा यहाँ पर। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर तो पार्क कर दिया है, तो जल्दी से इसको कल वापस भी देने जाना है मुझको। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। You're a superhero.